ये सोच कर लियो बहुत ही परेशान हो रहा था कि क्या पिछली रात हमने फिर से वो किया था। तभी नोहा की नींद खुली कि तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो। लियो का चेहरा उस बारे में सोचकर कब से रेड हो गया था, तो फिर नोहा को जगे देखकर वो फ्लिंच हो गया और वो तुरंत ही कहता है कि मैं बस कुछ सोच रहा था। और नोहा को इस तरह से देखकर वो तो बस उसे देखता ही रहा। नोहा अपनी आंखें मचलता हुआ उठता है और उससे टाइम पूछता है। लियो बताता है कि 9 बजे है। नोहा जाने लगा कि तो फिर मुझे नहाकर काम पे जाना है और वो कल के बारे में याद करता है, तो लियो फिर से फ्लिंच हो गया कि हाँ कल क्या हुआ था। नोहा चिल्ला कर कहता है कि तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम 20 या 25 साल के हो, तुम अब बुढ़े बन गए हो बुढ़े, ठीक है पहले अपनी उम्र देखो फिर ड्रिंक करो। लियो कह ही रहा था कि हे तुम बुढ़ा किसे बुला रहे हो तुम भी तो, लेकिन नोहा उसे बोलने ही नहीं देता कि शट अप, तुम्हें पता भी है कि कल तुम्हें उठाकर यहाँ पे लाना कितना मुश्किल था। यहाँ पर आने के बाद अचानक से तुम उठ के कहने लगे कि तुम्हें बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और अचानक से अपने कपड़े निकालने लगे, मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें रोका, नहीं तो तुम अपना पैंट भी निकाल देते। लियोनार्डो ने देखा कि उसने अपना पैंट पहना हुआ है और वो बोलता है कि अच्छा तो मैंने ही अपने कपड़े निकाले थे। नोहा ऐसे बड़बड़ा रहा था कि तुमने मुझे कितना परेशान किया और मैं अब भी तुम पे गुस्सा हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, लो पकड़ो, और उसने एक बॉक्स लियो की ओर फेंका। नोहा कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है, कल तुम्हारा रोना धोना चल रहा था इसलिए मैं तुम्हें ये दे नहीं पाया, और वैसे भी डैनियल तुम्हें जो देगा उससे तो ये अच्छा नहीं है। लियो कंफ्यूज था कि क्या इसका क्या मतलब है, लेकिन उससे पहले नोहा जोर से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया था और कहा कि हाँ ठीक है अब मैं कैफे जा रहा हूँ। फिर लियो उस गिफ्ट को खोल के देख रहा था और सोच रहा था कि वो तो अपनी पार्ट टाइम जॉब से ही पैसे कमाता है तो फिर उसने मेरे लिए गिफ्ट क्यों खरीदा। नोहा ने उसे प्रेजेंट में एक पंपकिन कीचेन दिया था। वो देख कर लियो स्मिर्क करता है और बोलता है कि उसने कुछ अपने जैसा ही चुना। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है गियोवानी जो नोहा से फोन पे बात कर रहा था। नोहा ने उसे पूछा कि क्या तुम कुछ भूल रहे हो। गियोवानी कहता है तुमने अचानक से मुझे कॉल किया बस यही पूछने के लिए। नोहा फिर से वही कहता है, तो गियोवानी कहता है कि मैं क्या भूल सकता हूँ। नोहा कहता है कि मैं कल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि कल कौन सा दिन था। गियोवानी गुस्से से कहता है कि बता दो कि क्या है, अभी मैं इतना ज्यादा बिजी हूँ कि फेलिक्स से मिलने का भी वक्त नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, ठीक है। नोहा कहता है कि कल लास्ट अक्टूबर था। गियोवानी तुरंत बोल ही रहा था कि हाँ तो, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि कल लास्ट अक्टूबर था, इसका मतलब कि कल। फिर गियोवानी और फेलिक्स दोनों ही पर्सनली लियोनार्डो से माफी मांगने गए। उन दोनों ने लियोनार्डो को काफी कुछ एक्सप्लेन किया कि किस तरह से गियोवानी उसका बर्थडे भूल गया, लेकिन लियो अपना मुंह चढ़ा के बैठा था, तो गियोवानी सोचता है कि लगता है उसे बहुत ज्यादा ही हर्ट हुआ है। वो अपना सर पकड़ के कहता है कि यहाँ तक कि अभी भी मेरे पास फ्री टाइम नहीं था, मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पे आने के लिए वक्त निकाला है, इस वीकेंड में तुम्हारे लिए सीवीड सूप बना दूंगा, ठीक है, मैं पहली बार खाना बनाने जा रहा हूँ और वो पहले पर्सन तुम बनोगे जिसके लिए मैं खाना बनाऊंगा।